प्रार्थना में हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु के हाथों में देंगे। और भाई सुरिंदर, हमारे प्यारे भाई जो दिल्ली से हैं, वो प्रार्थना की अगुवाई करेंगे। प्रार्थना में सारा कुछ प्रभु के हाथों में देंगे और प्रभु परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे, हमें चलाए, हमारे आगे रहे, हमें रास्ता दिखाए प्रभु परमेश्वर, किस तरह हमने चलना है, और सारा कुछ प्रभु के हाथों में देते हैं। तो ब्रदर सुरेंद्र विल प्रे फॉर दी मीटिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल भाई और बहनों। हम अपने माइकों को ऑन ऑफ करेंगे ताकि डिस्टरबेंस ना हो। भाई सुरेंद्र, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज जी आमीन। द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को आइए हम अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं उसके नाम से, और उसके नाम में हम दुआ मांगे। खुदावन जब हम मांगते हैं उसके नाम में तो वो हमें प्रोवाइड करता है। हम उसके नाम में विनती करते हैं, प्रभु हमारे बीच में आ, और जो भी हमारे टूटे फूटे शब्द हो वो तुझे ग्रहण योग्य हो, क्योंकि हम अपनी भेंट तेरे चरणों में लेकर आए हैं। हमारे आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले, हमारे आत्मा प्राण देख के रखवाले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। तेरा बड़ा शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी, आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, ताकि जूम मीटिंग पे प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चे जो दूर दूर हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, फिर भी आत्म सच्चाई से एक मन चित्त होकर प्रभु तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं और विनती करते हैं प्यारे बाप आसमानी, आज का दैनिक मन्ना जो तू आज तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, तू हमें प्रदान करेगा प्यारे बाप आसमानी। आए हुए हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे, इनके परिवारों को, इनके खानदानों को बड़ी आशीष दे। यदि कोई किसी बोझ में आया है प्यारे बाप आसमानी, वो तेरे सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता, अपने छेदे हुए हाथ से तू उस भाई और बहन को छू प्यारे बाप आसमानी, ताकि उस बोझ से वो निजात पा सके प्यारे बाप आसमानी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तूने आज तक हमें बेस्ट बेस्ट दिया है प्रभु, तूने अच्छे अगुवे दिए हैं प्यारे प्यारे भाई बहन, हमें तूने हमें दिए प्रभु जी, हम इसके लिए तेरा बड़ा शुक्र गुजार करते हैं प्यारे बाप आसमानी, जो हमारे लिए चिंतित रहते हैं प्रभु जी, और तेरी कथा को, तेरी बातचीतों को प्रभु, और तेरे उन कार्यों को प्रभु बखान करने के लिए प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चों के बीच में उपस्थित है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तुम भाइयों, इन भाइयों को बड़ी इज्जत प्यारे पिता, भाई डोनाल्ड को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो भी शारीरिक गड्डी कमी कमजोरी है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम पर जाती रहे प्यारे प्रभु, और प्यारे बाप आसमानी विनती करते हैं जो भी प्यारे बाप आसमानी उसके फोटो से निकले प्यारे पिता, वो हमारे लिए लाभ का कारण हो सके प्यारे पिता, हमारी उन्नति का कारण हो सके प्यारे पिता, ताकि हम एक अंक और प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में आ सके प्यारे मेहरबान पिता। ट्रांसलेशन करने वाले भाई को बड़ी आशीष दे, भाई जसविंदर को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी, इस तमाम एफर्ट्स के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे बच्चे करते हैं प्यारे पिता, ताकि तेरे बच्चे उन्नति पाए और फले फूले प्यारे बाप आसमानी, और उन फलों को लदे हो सके प्यारे पिता, जो तूने कहा है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है प्रभु, इसी से हम पहचाने जाते हैं प्यारे पिता कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं जिनको लेने के लिए तू आने वाला है प्यारे बाप आसमानी। इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, बेशक हम गिनती में थोड़े हैं प्यारे पिता, लेकिन प्यारे बाप आसमानी तूने हमें दिलासा दिया, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य दे प्यारे बाप आसमानी। हम तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं प्यारे पिता, हर एक बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इस जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, तो इसका टेक चार्ज ले प्यारे बाप आसमानी। हर एक दुष्ट की देखे अंधे की ताकत जो हमारे चारों ओर कार्य करती है, यीशु के नाम से काट डाली जाए, दूर दफा किए जाए प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता हमारा गाना बजाना, प्रभु तेरी स्तुति और बढ़ाई करना, सब तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे बाप आसमानी। मेहरबान बाप, सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने मनों का, अपने आत्मा प्राण देगा कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे सेवकों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरा रहम मांगते हुए, तेरी जिंदा उपस्थिति इस प्लेटफॉर्म पे चाहते हुए बाप आसमानी छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊपर मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर सुरेंद्र इस प्यारी प्रार्थना के लिए, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। भाई जतेंद्र भाई माइक बंद है। हां थैंक यू, या थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष बरकत दे इस प्यारी प्रार्थना के लिए। और अब समय गीतों का है, और हमारी बहन रूथ ने रिक्वेस्ट की है कि वो एक गीत गाना चाहते हैं, और हम दो गीत गाएंगे प्रभु के लिए। उसके बाद अगर कोई और भाई बहन भी है तो वो बता सकता है। पहले सिस्टर रूथ गाएंगे, उसके बाद हम एक और गीत गाएंगे, और वो भी कोई भाई बहन गा सकता है। तो
हमें चैट बॉक्स में भी बता सकता है। तो सिस्टर रूथ, आप माइक ऑन कर सकते हैं, प्रभु के लिए गा सकते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रभु हालेलुया, की महिमा के लिए हमें गीत गाएंगे। आमीन। चेता मेनु भुल गया हर एक राग दा, चुप कर बैठ गया संगीत मेरे बाग दा। चेता मेनु भुल गया हर एक राग दा, चुप कर बैठ गया संगीत मेरे बाग दा। कोयल ने गोना छड़िया फुल्ला मुस्कोना छड़िया, कोयल ने गोना छड़िया फुल्ला मुस्कोना छड़िया, पत्तियां लहरोना छड़िया। आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है हो। चेता मैनू भुलेगे राग दा, चुप कर बह गया संगीत मेरे बाग दा। चेता मैनू भुल गया हर एक राग दा, चुप कर बह गया संगीत मेरे बाग दा, संगीत मेरे बाग दा। कोयल ने गोना छड़िया फुल्ला मुस्कोना छड़िया, पत्तियां लहरोना छड़िया। आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है हो। बेटा मेरा नहीं होती गम पे अलगदा, बेटा मेरा जी तेरे बिन लगदा। पिया सूरज मैनू पिया लगदा, इक सी ओ भी नहीं लभदा, इक सी ओ नहीं लभदा। आदम तू किथे गया, आदम तू किथे गया, आजा तू किथे है। चेता मैनू भुल गया हर रग भुल गया, चेता मैनू भुल गया हर इक राग भुल गया। चुप कर मैं बह गया संगीत गा रिया, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है हो। सोचिया सामने खलोवांगे असी जदू मिलांगे ते गीत शुरू होणगे। सोचिया सी सामने खलोवांगे असी जदू मिलांगे ते गीत शुरू होणगे, गीत शुरू होणगे। छावां पै गईयां कोरां उदास पईयां, छावां हुण पै गईयां कोरां उदास पईयां। आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है हो। चेता मैनू भुल गया चुप कर बह संगीत तेरे बाग दा। चेता मैनू भुल हर एक राग दा, चुप कर बह संगीत मेरे बाग दा, संगीत मेरे बाग दा। आदम तू किथे है, आदम तू किथे, आदम तू किथे। सीने खूब जान तीर बन गया गया, कांडे उत्ते लगी तस वीर बना गया। सीने तीर बन गया, कांडे उत्ते लगी तस वीर बना गया, तस्वीर बना गया।
शीश बरकत दे साड़ी भैन ने बहन ने अच्छा गीत गाया ये पंजाबी पूरे पंजाबी लफ्ज थे और शायद कुछ भाई बहनों को समझ में नहीं आया होगा ठेठ पंजाबी शब्द थे और ये गीत उस पर था कि जब आदम ने गुनाह किया उससे पहले बाग अदन में बड़ी ब्लेसिंग थी यानी एक रौनक थी फूल मुस्कुराते थे कोयले गीत गाती थी पशु पक्षी भी आनंद करते थे बाग भी में खुशी थी आनंद था लेकिन जब उसने गुनाह किया परमेश्वर ने उसे पूछा तू आदम कहाँ है तो उस पर ये गीत था कि मैं तो खुद सारे राग भूल गया और बाग में संगीत नहीं रहा फूलों ने मुस्कुराना छोड़ दिया और कोयल ने गीत गाना छोड़ दिया यानी सब कुछ बदल गया जहाँ खुशियाँ थी वहाँ सब कुछ उदासी छा गई और आशीषें सजा में बदल गई तो उसके ऊपर ये गीत था कि आदम तू अब कहाँ है तो परमेश्वर ने आदम की कोई संसारिक लोकेशन नहीं पूछी थी कि भाई आदम तुम किस कोने में हो बाग अदन के परमेश्वर आदम की बाग वाली लोकेशन नहीं पूछ रहा था परमेश्वर ने उसकी आत्मिक लोकेशन पूछी थी कि आदम तुम कहाँ हो यानी तुम आत्मिक तरीके पर तुम वहाँ नहीं हो जहाँ होने चाहिए तो वहाँ परमेश्वर ये नहीं कि पता ही नहीं था परमेश्वर को कि आदम बाग के किस कोने में है बल्कि परमेश्वर ने कहा तुम कहाँ हो कि तुम कहाँ होने चाहिए थे आदम लेकिन अब तुम कहाँ हो तो प्रकाशित वाक्य में जैसा प्रभु कहता है कि याद करो अपने उन पुराने दिनों को जब तुम गड्ढे में गिरे हुए थे तो किसने तुम्हें उस गड्ढे से निकाला तो प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य में मैंने तुम्हें उस गड्ढे में से निकाला अपने पुराने दिनों को याद करो कि तुम कहाँ थे तो हम सब लोग गड्ढों में गिरे हुए थे हमें पता था हमारी लोकेशन आत्मिक लोकेशन सही नहीं थी हम गुमे हुए थे भेड़ों के समान लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमें पकड़ा और वहाँ प्रभु लेके आया हमें यहाँ हमें होना चाहिए है चाहिए था और अब हम है प्रभु का धन्यवाद हो इस प्यारे गीत के लिए और अब समय है एक और गीत प्रभु के लिए गाएंगे और शायद भाई जोशुआ ने माइक जी मैं गाऊं एक गीत ब्रदर हाँ जी बिल्कुल भाई भाई बिल्कुल सबको मौका मिलता है हम सबको मौका देते हैं प्रभु आशीष बरकत दे जैमसी की सभी को प्रभु आशीष दे बरकत दे हम प्रभु के लिए गाते हैं आमीन प्रभु को ही पसंद है आमीन धन्यवाद दी पेट चढ़ाइए सच्चे रब दा शुक्र मनाइए धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद दी पेट चढ़ाइए सच्चे रब दा शुक्र मनाइए धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया दिन अज दा उसने दिखाया है अज तक सानू बचाया है
आमीन। प्रभु आशीष बरकत दे भाई जोशुआ को, भाई नूर को और सभी को, आप सबको। एज वी नो दैट टुडे वी हैव ए लिमिटेड टाइम, सो ब्रदर इमैनुअल इज नॉट जॉइनिंग विद अस बिकॉज ही इज अटेंडिंग हिज लोकल असेंबली, एंड ब्रदर डोनेट इज विद अस एंड ही इज गोइंग टू शेयर द होली वर्ड, बट ब्रदर डोनेट इज ऑल्सो नॉट गुड एंड वी already prayed for brother Donat and we will remember in our prayers. May God bless our brother Donat, his health, and bless his lips. May God use his lips so we hear the holy word of God. And now the time for the word of God. Brother Donat is the main speaker, so God bless you brother Donat, and you can share the holy word of God. Praise the Lord, brother Donat. So happy to be here with you, my beloved. Amen, brother. Amen. Thank you, and we are also happy with you. God bless you, brother.
May the Lord be with us. Thank you for your prayer, brother. Amen. Thank you so much. I feel so much better. Thank you. When I spoke with Brother Emmanuel yesterday in the morning. मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ. आपका सबका धन्यवाद जो आपने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ. और कल भाई इमैनुअल ने जब मुझसे बात की सुबह कि आपने संदेश देना है. आमीन. यस ब्रदर. I've been in pain of sciatica nerve like for 2 weeks now, but I have experienced something wonderful with the Lord. और मेरे साइड में दर्द हो रहा था पिछले हफ्ते से, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ एक बड़ा अद्भुत कार्य किया. आमीन. Last Sunday I was in so much pain before going to church, but I was the main speaker. I had to preach on Sunday, and I was having pain, so much pain. But when I just prayed and went to the pulpit, I couldn't feel no more pain, nothing, because I was under the anointing. Hallelujah. पिछले रविवार से मेरे दर्द हो रहा है, और पिछले रविवार को मैंने मैंने प्रचार करना था चर्च में, और मेरा मेरी ही ड्यूटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी प्रचार करने की, लेकिन मेरे दर्द बहुत हो रहा था. और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, और आप हैरान होंगे कि जब मैं पुलपट पर पहुंचा, और उसी वक्त मेरी सारे दर्द, मेरा सारी पेन जितना भी था सब चली गई. मैं बिल्कुल ठीक था जब मैं प्रचार कर रहा था. प्रभु की महिमा हो गई. हालेलुया. आमीन. It was the same thing on Thursday again. I had to preach in the congregation, and the same thing happened again. तो यही चीज फिर हुई. आज फिर मेरे दर्द बहुत था, लेकिन आज फिर मैंने प्रचार करना था. तो आज जब भी फिर मैंने ये संभाला आया सभा में, तो जैसे ही मैं आया, प्रभु ने फिर मुझे वैसे ही बिल्कुल ठीक कर दिया. प्रभु का धन्यवाद. आमीन. And when Brother Manuel called me again on Friday, I say, God, with all of this, but it's like testing my faith. And I just said, no matter what, it's God calling. I have to do it. Amen. और जब मेरे इस हफ्ते फिर दर्द चल रहा था, तो भाई इमैनुअल ने जब मुझे फिर फ्राइडे फोन किया कि भाई डोनेट आपने संदेश देना है, तो प्रभु मुझे फिर से जांच रहा था कि मैं क्या करता हूँ, क्या शायद मैं मना कर दूँ. लेकिन देखिए, प्रभु परमेश्वर ने फिर मेरे पे अनुग्रह किया, और प्रभु मुझसे कार्य ले रहा है, और मैं संदेश दे रहा हूँ. आमीन ब्रदर. गॉड ब्लेस यू. Sometimes as a human being you can say, Lord, why me? Why me? You know I'm in pain. But he said, Donald, I am your strength. आमीन. तो कई बार होता है कि हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, या ये दुख मेरे साथ ही क्यों है, या तू मुझे ही क्यों कह रहा है, मुझे ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है. परंतु प्रभु फिर हमें कहता है कि मैं तुम्हारी ताकत हूँ, मैं तुम्हारी सामर्थ हूँ. आमीन फॉर दैट ब्रदर. God is so good. He is so good. वो बहुत भला है. परमेश्वर बहुत भला है. And if this small pain can make you give up and not serve your God, what about what our Lord Jesus Christ experienced all his life till he went to the cross? अगर हमारे जीवन में ये छोटा सा दर्द जो आया मेरे जीवन में, मुझे बढ़ा के गया, मुझे उत्साहित कर गया, मुझे प्रभु में बढ़ा गया, मुझे निराश नहीं किया प्रभु ने, तो आप सोच के देखें हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में
जिसने जब से वो इस संसार में आया शरीर लेकर, उससे तब से उसको बुरा बोला गया, उसके साथ बुरा बुरा सलूक किया, और तब तक का देखे जब तक वो सलीब पर भी चढ़ा, उसने इतना दर्द सहा, कोड़े खाए, और उसका वो देखिए उसने हमारे लिए कितना पेन सहा, कितना दुख सहा, लेकिन उसको भी उसके बाद लिखा है कि स्वर्ग में दाहिने हाथ जा बैठा। आमीन। And Apostle Paul was telling us something in Romans chapter 1. यही बात हमें प्रभु का दास संत पुलुस बताता है। जब हम रोमन्स की किताब में जाते हैं, रोमन्स की किताब का पहला अध्याय, रोमन्स की किताब उसका पहले अध्याय में जब हम जाते हैं, तो प्रभु का दास पुलुस भी इसके बारे में हमें बता रहा है। हालेलुया, आमीन। Verse 1 of Romans chapter 1. Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which he promised before through his prophet in the Holy Scriptures concerning his son, Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh and declared to be the son of God with power according to the spirit of holiness by the resurrection from the dead. Through him we have received grace and apostleship for obedience. That's my key word, obedience to the faith among all nations for his name, among whom you also are the called of Jesus Christ. 1-6, brother. Yes. Romans और एक से लेकर छह तक हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में। पुलोस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया जिसकी पहले उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और जो मेरा मेन मकसद है बताने का वो ये है, पांच आयत, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। 1-6, 1-6। Verse 5 and verse 6 shows us something very important. It said, through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom you are also the called of Jesus Christ. पांच और छे जो है इस पर अब हम ध्यान लगाते हैं, पांच और छे पर, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। It's an amazing scripture because only in Christ Jesus we are also called. और ये इसलिए खास है कि हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, हम सब के सब उसके अनुग्रह से सेवा मिली है, हमें प्रेरिताई मिली है। So through Jesus Christ we have received the grace.
तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है। आमीन। The Bible says in Ephesians 2 chapter 8, you have been saved by grace और and through faith. इफिसियां 2 की 8 में भी यही लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम बचाए गए हो। You've been saved by grace through faith, but the faith is based in Christ Jesus. तुम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए विश्वास से, लेकिन विश्वास किस पे है? अनुग्रह पर, अनुग्रह पर। And that faith is a gift of God. और जो विश्वास है वो विश्वास जो है प्रभु पर है। We have been called and chosen by God so that we may believe the promises of God that he gave us through his prophets in the Holy Scriptures. और हम जो है हमें प्रभु ने चुना, प्रभु ने हमें चुना क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास लाएं, कि हम प्रभु पर विश्वास करें। आमीन। That's why our faith is only founded on what the Holy Scripture says. इसीलिए हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास सिर्फ सिर्फ उस पर है जो पवित्र आत्मा ने ये वचन कहा। आमीन। Verse 3 said, this promises of God was only concerning one person. Verse 3 said, concerning his son Jesus Christ, our Lord. तीन आयत कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की। तो देखिए प्रभु का जो वादा था वो सिर्फ एक एक यीशु मसीह के साथ है। Who was born of the seed of David according to the flesh and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. जो पैदा तो शारीरिक रूप से दाऊद के वंश से हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के भाव से वह मरे हुओं से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराता है। हालेलुया। Even our Lord Jesus Christ was the offspring of David according to the flesh. हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जो शरीर में आया वो दाऊद के वंश से आया। But he was declared the Son of God according to the Spirit of holiness. लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र कहलाया। Like all of us, we were born according to the flesh. हम भी जो शरीर में पैदा हुए हैं, सब हम भी जैसे। But there was a time limited for us to be called sons of men. Hallelujah. लेकिन जब हम भी प्रभु पर विश्वास लाए, प्रभु में पैदा हुए, तो हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाए। हालेलुया। आमीन। That's why in Corinthians it is written, First Corinthians, that if we knew Jesus according to the flesh, now we don't know him that way any longer. Like आज जैसा क्रंथियां, पहला क्रंथियां में भी ये लिखा हुआ है कि पहले हम सब जो यीशु मसीह को शरीर के भाव में समझते थे, पहले हम भी यीशु को जो शरीर में समझते थे, अब से आगे से हम उसे शरीर से ना समझे, वो आत्मा से है। आमीन। Even people were calling him the son of Joseph.
और देखिए वो यूसुफ का पुत्र यूसुफ यूसुफ का भी कहलाता है यूसुफ, बिकॉज ही आल्सो हैड टू कम फ्रॉम एन ऑफस्प्रिंग, क्योंकि यूसुफ वो भी उसी अब्राहम के वंश से पीढ़ी से आ रहा है, ये पीढ़ी है पूरी जो आ रही है। But there was a time limited for that until he was declared now the son of God, son of God. लेकिन देखिए वो जो ये जब प्रभु आया वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। We also become sons of God by God's will. Same way. हम भी बिल्कुल उसी ही तरीके से जो आत्मा में पैदा हुए हैं हम भी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आमीन। योना की अंजील एक का अध्याय बनाए। But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. 12 आयत और 14 12 और 13 आयत पहला योना की पढ़ेंगे हम। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वो तो ना लहू से ना शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रेज गॉड। Beloved, the Holy Scriptures, this what we hold in here. It's a treasure for us. भाइयों और बहनों, ये हम किस कहां से पढ़ रहे हैं? हम ये पवित्र शास्त्र से, पवित्र बाइबल से पढ़ रहे हैं। पवित्र बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल खजाना है, खजाना है हम सब के लिए, प्रभु का दिया हुआ। आमीन। Because through the promises of God that we have in the Holy Scriptures, that made us to believe in Him. जो पवित्र आत्मा ने वचन लिखे हैं यहाँ पर और हमारे पास आए और हम इस पर विश्वास लाए, हम प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। Beloved, you are so blessed because God knew you before the foundation of the world. आप सब आशीषित हैं, आप बहुत बहुत आशीषित हैं आप सभी, कि प्रभु ने आपको जगत बनने से पहले ही जाना, उससे पहले ही आपको चुन लिया था प्रभु ने। आप आशीषित हैं। हालेलुया। My heart is shaking, my soul is shaking right now because I can feel the love of God. मेरा दिल पूरी तरह हिल रहा है, मेरी जान पूरी इस तरह इस वक्त हिल रही है, मैं पूरी तरह भरा हुआ हूँ क्योंकि प्रभु का ये प्रेम मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। आमीन। Because it does not depend of where you were born. Mm-mm. Or who was your father in the flesh? That's not the most important thing. उसे कोई मतलब नहीं था कि आप कौन से एरिये में पैदा हुए, कौन से देश में पैदा हुए, जहाँ कौन से पिता से पैदा हुए आप, इस संसार में किस संसारिक पिता में, किस जात धर्म में पैदा हुए, उसको कोई मायने नहीं था इस बात का। हालेलुया। God is so good, beloved, because in Romans 9, Apostle Paul said, it does not depend
on what on who wills or who run. No, it does not depend on that. परमेश्वर भला है, परमेश्वर बहुत चंगा है भाइयों बहनों, क्योंकि रोमन्स 9 में लिखा, उसको ये परवाह नहीं कि हम कौन है, कहाँ से हैं, किस धर्म जा कहाँ किस स्थिति से हैं, उसने ना ही इसको देखा ना उसने इस चीज को परवाह की, उसने वो बहुत चंगा परमेश्वर है। Let us read it in Romans 9. Let us read it together, beloved. हाँ, हम पढ़ी लेते हैं रोमन्स 9 को, हम पढ़ी लेते हैं रोमन्स की किताब और उसके 9 को हम पढ़ते हैं। The Bible says, verse 14, just to go forward. 14 आयत में पढ़ें, 14 आयत में। You can read afterward if you want. You can go back because it's speaking about the election and the predestination of God. Yeah, right. Verse 14. 14. What shall we say then? Is there a righteousness with God? Certainly not. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whomever I will have compassion. So then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Amen. तो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। इसलिए ये तो चाहने वाले ना चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। It's not by someone's will. No. It's not by the will of your father in the flesh. No. ये हमारे It's not by the will of man. हमारी मर्जी नहीं, हमारे ये संसारिक पिता की मर्जी नहीं थी जो उसने चुना, नहीं। So God showed you mercy in India, and God showed me mercy in Congo. And God showed mercy to another brother in China. God showed mercy to another brother in Afghanistan. God showed mercy to a brother in Germany. In all the nations. परमेश्वर ने देखिए अपनी दया इंडिया में की, परमेश्वर ने अपनी दया मुझ पर कांगो पे की, परमेश्वर अपनी दया चाइना पर, अफगानिस्तान पर, जर्मनी पर, अमेरिका पर, वो तो सारी दुनिया में कर रहा है। हालेलुया। Beloved, and today he has made of us his children. Hallelujah. और उसने हमें अपने संतान बना दिया, परमेश्वर ने हम सबको अपनी संतान बना दिया। I love God's mercy. I praise God's mercy. मैं परमेश्वर की दया की महिमा करता हूँ, तारीफ करता हूँ परमेश्वर ने जो मुझ पर दया की। I do praise God's grace for my life and for your life, beloved. मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ उसकी दया के लिए, आप भी करें। Like we said in Ephesians, the Bible said, you've been saved by grace and through faith, and that faith does not come from you, it's the gift of God. इफ़सियां 2 में यही तो लिखा है कि उस अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ, अनुग्रह के द्वारा, तुम्हारे अपने आप से नहीं हुआ, और जो वो अनुग्रह है वो परमेश्वर का दिया हुआ दान है आपको। And God did that for a reason, so that as many as received him, He has given them the right to become children of God. और परमेश्वर ने हमें ये अनुदान दिया, इसलिए ये दान दिया उसने हमें अनुग्रह का,
ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। And notice one thing in 1 John chapter 3. John chapter 3, योना की अंजील 3. First John. पहला First John chapter 3. पहला योना 3. योना की पत्री उसका 3 अध्याय. First John chapter 3 from verse 1. और उसकी पहली आयत. Behold what man of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know our Father, Him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him. For we shall see him as he is. And everyone, listen to this, everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Amen. Hallelujah. Amen. पहला योना और उसका 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर आशा रखता है, इसे पढ़ें, ये जरूरी है, जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। यू आर प्योर बिकॉज ऑफ द वर्ड दैट यू हैव हर्ड। यू आर प्योर, आप पवित्र हैं, आप शुद्ध हैं, क्योंकि आपने शुद्ध वचन सुना, आपने पवित्र वचन सुना। Just because you have listened to this, because you have given a heart to love this, you are pure. आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को अपने दिल से ले रहे हैं, दिल में ले रहे हैं, दिल से प्रेम कर रहे हैं, आप शुद्ध हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं प्रभु के शुद्ध वचन से। आमीन। Apostle John here, he was astonished about this love because it was too much for him. योना ये प्रभु का दास भी देखिए पूरी तरह झिझोड़ा गया, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा प्रेम उसके लिए काफी बहुत ज्यादा था। वो खुद भी इस प्रेम में पूरी तरह हिल गया, योना जो लिख रहा है, और वो पूरी तरह हैरान हो गया, हिल गया। उसके भी ये लेवल से ऊपर था, इतना ज्यादा प्रेम प्रभु का जो हुआ उसके साथ। आमीन। The world does not know us. Because they have not known our Father. और उसने देखिए क्या लिखा, और क्यों लिखा, क्योंकि वो भी अपने पिता को जानता था कि उसका पिता कौन है। But we know each other. और हम एक दूसरे को जानते हैं। The Lord has made that I may know you, brother Jaspinda. प्रभु जानता था और जानता है कि जसविंदर कौन है,
Hallelujah. It does not depend on how far you live in. There is a connection in the spirit. उससे इसका इससे मतलब नहीं होता कि आप बहुत दूर रहते हैं, आप इतनी दूर रहते हैं, उसको इस उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, वो हमसे आत्मा से रिश्ता रखता है. And we are who we are today by the grace of God. और आज हम जो भी हैं वो प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से हैं. And today I can speak to my brother Rakesh far. आज मैं ये कहता हूँ कि मेरा भाई राकेश बहुत दूर रहता है मेरा भाई. God knew this beforehand. लेकिन परमेश्वर तो उससे पहले ही जानता था. आमीन. That he will make us one. और उसने in the spirit, एक बना दिया उसने हम एक बना दिया हमें इकट्ठे कर दिया उसने हमें. I don't know how you believe this message. I don't know, and I don't even want to know. But all I want to know that today, the same thing that is in your heart, the same faith, God has made it possible for me to have the same faith. मैं नहीं जानता था कि आपका विश्वास क्या था, क्या क्या विश्वास था आप सबका, लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये है कि आपके अंदर वही विश्वास है, एक ही विश्वास है, वही प्रेम है जो हम सबका है. हालेलुया. All that he promised in the Holy Scriptures by his prophets has become possible today. जो भी उसने भविष्यदाताओं के द्वारा वादे किए थे आज हमारे बीच में पूरे हो रहे हैं. And he has united us all in one, in Christ. और हम सब के सब एक हो गए मसीह में, यीशु मसीह में एक हो गए. You are safe. You are on the safe side. आप बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं. Because you are believing the only name of the begotten Son of God. क्योंकि आपने सबने एकलौते बेटे पर परमेश्वर के ईमान रखा, विश्वास रखा. John 3. योना 3 में फिर पढ़े. Is it first? John chapter 3. Gospel John. John chapter 3. योना की अंजील में आए अब आप. योना की अंजील में. Verse 16 to 19. Let us read. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe, he is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. योना की अंजील और यस ब्रदर 16 to 19 ब्रदर. पहला सॉरी योना की अंजील उसका 3 अध्याय और 16 से 19. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा का जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। आमीन आमीन आमीन। यू आर सेफ लाइक आई सेड बिफोर, आप सुरक्षित बिकॉज ऑलरेडी यू हैव इटर्नल लाइफ, आप बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं, आपके पास अनंत जीवन है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एनीमोर, इसलिए अब हम मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते बिकॉज वी हैव इटर्नल लाइफ इन अस ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही अनंत जीवन है, हमारे अंदर है, हम अब मौत से नहीं डरते। No matter what can happen today, अब मैंने नहीं रखता your tomorrow is assured. कोई मायने नहीं रखता कि आज हमारे साथ क्या होता है, कल क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है, कोई मायने नहीं रखता। That's why we are not bothered what is happening in this flesh of humiliation. इसीलिए हम परवाह नहीं करते कि इस शरीर में हमारे साथ क्या हो रहा है। Because we know that flesh and blood will not inherit the kingdom of God. क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये शरीर, ये हड्डमांस स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। But your soul, your inner man is already safe. क्योंकि हमारी जान जो हमारे अंदर है वो बचाई जा चुकी है। आमीन। Hallelujah. That's what verse 17 is saying this. Verse 17 is saying, इसीलिए for God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. इसलिए 17 आयत में ये लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। Why? Why? Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। And this is the condemnation. This is the condemnation that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. दंड ये है। दंड का कारण क्या है? दंड का कारण ये है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। So do not be surprised if people hate you because you have believed in the only name of the begotten Son. क्योंकि लोग आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आप उस ज्योति पर विश्वास रखते हैं। Because the Lord Jesus Christ said in John 17 verse 14, Ah, Father, I have given them your word, and the world has hated them. क्योंकि प्रभु ने योना 17 में भी ये बोला है कि जगत
तुमसे नहीं पहले मुझसे बैर रखता है, क्योंकि मैंने उनको उनके काम प्रकट किए, वो मुझसे इसलिए बैर रखता है और तुमसे भी बैर रखेगा। You know why we're here? You know why we're here today? Because we love the light. The light is the revelation of the word of God. और आज हमसे क्यों बैर रखते हैं? क्योंकि हम रोशनी पर विश्वास रखते हैं, रोशनी में रहते हैं, रोशनी में चलते हैं और रोशनी बाइबल है। And the revelation and the revelation of the word of God, it's only one person in this book. It's all about Jesus Christ. और जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है, वो प्रभु यीशु मसीह है। That's why we love him. हम उससे प्रेम रखते हैं। We love him because he gave his life for us, beloved. क्योंकि उसने अपना जीवन हमें दिया। He gave all that he had to save you and I. और उसने अपना जीवन दिया ताकि हम बच जाएं। What an amazing love. कितना अद्भुत प्रेम है। And we spoke about God's mercy. और हम प्रभु की उस अनुग्रह की बात कर रहे हैं। And the prophet of our time preached the sermon entitled God who is rich in mercy. Hallelujah. और हमारे समय के जो नबी हुए हमारे, उन्होंने भी कहा, That God who is rich in mercy, in Ephesians 2, when the prophet was preaching this sermon, he mentioned something that shed my soul. और नबी ने भी ये प्रचार किया हुआ है भाई ने, कि परमेश्वर दया का धनी है, दया में बहुत धनी है वो। On verse 1 of Ephesians 2 it is written, and you he made alive who were dead in trespasses and sins in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirits who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. But verse 4 says this, but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. इफिसियां 2 और उसकी पहली आय से, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर आकाश के अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की ललसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं को पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो उस दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ, मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। And we thank God, we thank him so much because he has saved us today. We were before children of disobedience. We were dead, beloved. आज हम देखिए पूरा हिल रहे हैं कि उसने हमें बचा लिया, जगत से पहले ही उसने हमें बचा लिया।
और हम बचे हुए हैं. आमीन. बिफोर वी वर चिल्ड्रन डिसोबीडियंस व्हाई बिकॉज़ वी इनहेरिटेड द वैन मैनर्स ऑफ लिविंग ऑफ आवर फादर्स इन द फ्लेश. और देखिए परमेश्वर ने हमें बचाया और जो उसने मन्ना दिया पुराने हमारे बुजुर्गों को जो मन्ना दिया था उसने. And that vein of living, that vein manners of living, led us to live in disobedience because we were children of men. और देखिए उन्होंने अनाज्ञाकारी की, वो मन्ना उनको दिया ताकि वो जिंदा रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो मन्ना दिया आत्मा का जिससे हम जीवित रहते हैं. And everyone is born of a woman, is born a sin already. और जो भी पैदा हुआ है वो सब पाप में पैदा हुआ है. Because we were born in the will of man. क्योंकि हम सब मनुष्यों की इच्छा से पैदा हुए थे. And we followed just the vain ways of living that we found in this world. और जो भी इस संसार की रीति रिवाज थे हम उन पर चलते थे. But because of God's mercy, He has taken us out of the course of this world. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह दया कृपा से उसने हमें वहां से निकाल लिया. And He has given us a new birth by His Spirit of holiness. फिर उसने हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म दिया. And we who loved to live in darkness before, now we hate darkness, but we love the light, the word of revelation of Christ. अब हम पहले जो उस अंधकार में रहते थे, उस अंधकार में चलते थे, आज हम उस अंधकार से नफरत करते हैं, उस अंधकार से दूर हैं, पसंद नहीं करते. अब हम ज्योति में रहते हैं, अब हम ज्योति को पसंद करते हैं. Like we were children of disobedience before, God now has made us His children so that we may walk in obedience. जो पहले हम आज्ञाकारी नहीं थे, परमेश्वर ने अनुग्रह करके हमें बचाया, चुना और अब हमें उस अनुग्रह से ईमानदार बनाया, आज्ञाकारी बनाया. We just read here, God who is rich in mercy. जो अभी because of great love He loved us. जो अभी अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा कि परमेश्वर दया का धनी है, परमेश्वर दया का धनी है. We were dead. हम मरे हुए थे. But today He has made us alive. हम मरे हुए थे, सब के सब हम मरे हुए थे पापों में, लेकिन अब हम यीशु मसीह के साथ जिंदा हैं. Therefore, as children of God, we should no longer walk according to our own desires, but walk according to our Father's instructions. इसीलिए अब हम शरीर की इच्छा से नहीं चलते, बल्कि अब हम अपने पिता की इच्छा से चलते हैं. We're going to finish in Hebrews chapter 5. हम इस खत्म करने से पहले कुछ आयतें पढ़ेंगे, 5 अध्याय. Hebrews chapter 5. इब्रानिया 5 में जाएंगे, इब्रानिया की किताब 5 में जाएंगे और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे. इब्रियो चैप्टर 5 वर्स 7. Who in the days of his flesh, just like us right now, who is Jesus? In the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his
godly fear. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर उसने जो उसकी मृत्यु से उसे बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। You know, when he was offering praise and supplications with vehement cries and tears to him, to the Father, it's when he was in Gethsemane. He was about to give up. According to the flesh, he felt weak. But according to the Spirit, he had to do the will of his Father. वो जब शरीर में था तो वो शरीर में ही शरीर में था और शरीर के भाव से उसके ऊपर भी वो सब कुछ था जो आम शरीर में होता था। वो शरीर में उसने रहते हुए प्रार्थनाएं विनती प्रभु के आगे की है उसने खुद ने खुद में की लेकिन वो आत्मा में वो खुद आत्मा का धनी था। And he was heard because of his godly fear. अब उसकी सुनी क्यों गई जब वो शरीर में था क्यों उसकी सुनी गई। अब लिखा है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। And he, as the Son of God, he only had to please his Father in heaven. इसी तरह अब और भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो भी परमेश्वर को खुश करते हैं अपने चाल चलन से। The Bible says the son does nothing that he has seen the Father doing. और लिखा है पुत्र ऐसा कुछ नहीं करता जो उसके पिता की इच्छा नहीं है। So all he had to do it was to listen to what the Spirit of God was telling him to do. और लिखा है कि पुत्र वही करता है जो उसका पिता उसे कहता है। He feared God. He feared God. He walks in fear all his life on the earth. पूरे जीवन वो अपने पूरे जीवन अपने पिता की इच्छा के अनुसार जिया पूरे जीवन। Verse 8 says, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. 8 है तो और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। He had to go through some sufferings for him to learn obedience, to become more obedient. तो हमें भी दुख उठाना है मुश्किल मुसीबतें उठानी है और आज्ञा माननी है। So no matter what you're experiencing today, beloved, it's the will of God for you. मैंने नहीं रखता प्यारे अजीजो कि हमारे जीवनों में क्या चल रहा है क्या दुख है परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। Through the sufferings or pains, the Bible says that we know that all things work for the good of those who love God. इसीलिए चाहे जो भी दुख तकलीफ मुश्किलें चल रही है हमारे जीवन में प्रभु कहता है कि सब चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। Because we were chosen, we were called in Christ Jesus. So let us walk as our Lord walks as an example on the earth. उसने हमें चुना है, इसलिए भाइयों आओ, हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपना जीवन जिए। May the Lord bless you. May the Lord help us. प्रभु हम सब so that we may seek to please him every day. प्रभु हमें बरकत दे आशीष दे
और हम प्रभु के वचन पर चलते रहें। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर डोनेट फॉर दिस प्रीशियस वर्ड ऑफ गॉड एंड रियली वी वेरी ब्लेस्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी बिलीव वी हैव रिसीव्ड वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर and the word of God has pure to us and we are very thankful to the Lord that God has given wonderful brothers like you. So we pray for you, brother. God bless you, heal you, and bless to all of us, brother, for this wonderful word. God bless you all, sabhi bhai behno ko prabhu aashi barkat de is pyare pavitra sandesh ke liye. तो हम सब ने सुना, पवित्र वचन को सुना, विश्वास किया, हृदय में लिया और इस पवित्र वचन ने हमें भी शुद्ध कर दिया। और आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। और भाई राकेश हमारे साथ बने हुए हैं और उनका नेटवर्क सही है भाई आपका? तो आप प्रार्थना करें क्लोजिंग। प्रभु आपको आशीष दे। भाई राकेश विल प्रे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राकेश। आइए संजय हम प्रार्थना में चलेंगे और सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और इस बंदगी की मीटिंग के लिए। प्रभु जी आपका हम शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुबह के वचन के लिए और सुबह की बंदगी के लिए। प्रभु जी आप कंटिन्यू पवित्र आत्मा जी होली स्पिरिट जी हमसे बात कर रहे हैं और प्रभु जी एक ही वचन हमें बार बार रिपीट करवा रहे हैं और याद करवा रहे हैं कि मैं ही आपको बचाने वाला परमेश्वर हूँ। पवित्र खुदा प्रभु अनुग्रही परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ है तो हम बचे हैं प्रभु जी और उस अंधेरे की नगरी से हमें बचाया है खुदावन और रोशनी की तरफ आप लेके आए हैं प्रभु जी। ये आपका ही अनुग्रह है प्रभु और आपका कलाम कहता है खुदावन कोई जन परमेश्वर प्रभु जी आपकी दया के बगैर कोई भी नहीं आपके पास पहुंच सकता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा आप ही अपने वचन के जरिए अपने शब्दों के जरिए प्रभु जी अपने कलाम के जरिए बुलाते हैं और उसे खींच के बाहर लाते हैं और प्रभु जी इन सभी चीजों के लिए मैं आप फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हमें अपने वचन के वसीले से बचाया है परमेश्वर और प्रभु जी एक नई सृष्टि में लेकर आए हैं प्रभु जी और सभी पापों गुनाहों से बचा के रखते हैं प्रभु जी सभी शैतानी हमलों से बचा के रखते हैं। आपकी दया और अनुग्रह के नीचे हम बचे हुए हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर एक चीज के लिए प्रभु जी हर एक भलाई के लिए हर एक आशीष और हर एक बरकत के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी बड़ी दया हुई है परमेश्वर हम पे प्रभु जी और खुदावंत प्रभु जी आप हमें ये अंत के समय में परमेश्वर अपने वचन से नवाज रहे हैं प्रभु जी समय का खाना दे रहे हैं प्रभु जी और हमारी जिंदगी में प्रभु जी विश्वासियों की जिंदगी में खुदा आप चिन्हों और अद्भुत कामों के जरिए हमें हमारे विश्वास में और बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। आपकी आमद बहुत नजदीक है खुदावंत परमेश्वर और प्रभु जी आपके कलाम के मुताबिक हर एक चीज परमेश्वर जो आपने प्रोफेसी और भविष्यवाणी की है प्रभु जी सब पूरी हो रही है खुदावंत परमेश्वर और हम प्रभु जी इन आंखों से सब कुछ आपके वचन के मुताबिक होता हुआ देख रहे हैं खुदावंत परमेश्वर। होने दे प्रभु जी हम इसी तरह प्रभु जी आपकी बंदगी में आराधना में जुड़े रहे आपके फजल में जुड़े रहे प्रभु जी और आपकी आमद के लिए हमें तैयार करें प्रभु जी और विश्वास में बढ़ाए खुदावंत अपनी सामर्थ्य और अपनी ताकत रिलीज करें खुदा कि हम प्रभु जी हर समय प्रार्थना में लोलीन रहे प्रभु जी और आपकी यादगारी में आपको स्मरण करते रहे और जो कमांड्स खुदावंद यीशु मसीहा आपने हमें दी है उस आज्ञा के प्रभु जी हर एक चीज के लिए हर एक बंदोबस्त के लिए हर एक अरेंजमेंट के लिए प्रभु जी आपका शुक्रगुजार और आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस जूम मीडियम के माध्यम से खुदावंद जितने जन खुदावंद आई डोनट को प्रभु जी उनके लिए ब्लेसिंग को मांगता हूँ प्रभु जी और प्रभु जी भाई जसविंदर के लिए जो ट्रांसलेट कर रहे थे खुदावंद प्रभु जी उनके ऊपर प्रभु जी सभी के लिए प्रभु जी आशीषे और बरकते मांगता हूँ खुदावंद आपके पास पवित्र नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम
गॉड ब्लेस यू ब्रदर राकेश। इस प्रायरी प्रार्थना के लिए प्रभु आपको आशीष दे भाई राकेश, और हम सभी को प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे। और प्रभु ने हमें बहुत प्यारा संदेश दिया जिसे हमने सुना और हमने दिल से ग्रहण किया। प्रभु परमेश्वर ने हमें आशीष बरकत दी और हम इस वचन को याद रखें, दोबारा इसे मेडिटेट करें, इस पर चलें। प्रभु हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे। और हम सभी अपने माइक को ऑन कर सकते हैं, दुआ सलाम कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे। और मुझे जाना है इसके बाद, और प्रभु ने